ये जिंदगी जो है ना इमेजिनेशन नहीं है कि हम कह रहे हैं कि योटा वाली सारी फॉर्म्स हैं, हम कह रहे हैं कि हम उठे सुबह महल तैयार हो हमारे लिए, हम उठे नौकर चाकर हो, हम उठे सारे सारे लोग हमारे ताबे हो, नौकर चाकर मजे वाली लाइफ वो फिल्में चल रही हैं, ये हम बैठे में बेड पे स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और सारी जिंदगी सीधा गुजारी जा रहे हैं। एक दिन मौत तो है ना, लेकिन बात यह कि ये इमेजिनेशन वाली जिंदगी नहीं है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर वाली जिंदगी है। पास्ट पे तो सोचना ही नहीं है, जो हो गया वो गलतियों को बस सेट कर लेना है कि आज के बाद मैं ये गलती नहीं करनी। दिनों से ये बात है कि हर जिंदगी के हर इंसान की लाइफ में ये मुश्किलात आती हैं, लेकिन क्या है उसे डील करना आना चाहिए, उसे निभाना आना चाहिए, अपनी वैल्यू आपने खुद बढ़ानी है। यार आप देखोगे मेरे साथ इतने सब्जी वाले हैं, इतने फ्रूट वाले हैं, मेरे साथ इतनी शॉप्स हैं, मैं यूनिकनेस क्या लेके आऊँ या मैं क्या मार्केट के अंदर गैप लेके आऊँ कि लोग मेरे पास आना शुरू हो जाएं। इसी तरह ही होता है, जो अच्छे अंकल होते हैं वो भी यही काम करते हैं, वो मार्केट के अंदर एक गैप ढूंढते हैं कि वजह क्या है क्या चीज़ जो मैं लेके आऊँ कि लोग खुश होना शुरू हो जाएं, लोगों को मैं एक राहत का सबब बन सकूँ, इखलाक अच्छा लोगों का भी कर सकूँ, अपना अच्छा इखलाक भी लेके जाऊँ। ये हम पे डिपेंड कर रहा है ना। देखिए एक सब्जी वाला भी अगर परेशान, आप भी परेशान, फिर आपका लेवल तो ना वो रह गया। यार आप पढ़े लिखे हो, आप इतने लोगों के साथ मिल रहे हो, आप एक सोसाइटी है, लेकिन आपको अभी तक अगर किसी के साथ रहम दिली नहीं करनी आती, किसी को कोई अच्छे दो बोल ही नहीं सकते, दो अच्छे बोल नहीं बोल सकते, मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा इंसान बनने का भी फायदा नहीं है। देखिए ना जिंदगी में सारी जिंदगी हमने इस दुनिया में नहीं रहना, ये क्या है जो आपका अच्छा इखलाक होगा। देखिए अब बात बड़ी मजे की बात है, देखिए आप उसे पैसे नहीं दे रहे यार, ठीक है ना, आप उसे घर ला के खाना नहीं खिला रहे, हालांकि खाना तो हर किसी को खिलाना चाहिए यार, राजिक तो अल्लाह ताला की जात है, जो भी आपके पास है खाना तो मस्ट खिलाओ। देखो आप उसे खाना नहीं खिला रहे, आप उसे अपनी गाड़ी नहीं दे रहे, आप उसे कहीं छोड़ने के लिए नहीं जा रहे, उसके साथ खड़े हो गए, ये पैरल में खड़े हुए हैं, सामने ये है, ये आप खड़े हुए हैं, आप सिर्फ उनसे क्या करें बातें कर रहे हैं, बातों से उसका दिल एक अच्छा कर रहे हैं। देखिए ना जब हम गुनाह करके हमारे दिलों पे दाग लगते जाते हैं, जब हम तौबा करते रहते हैं दाग मिटते जाते हैं, तौबा नहीं करता दाग ही दाग। इसी तरह जब परेशानी एक आती है, दूसरी तीसरी चौथी, अगर हम उसे सर पे ले लेते हैं हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक क्यों पड़ रहे हैं इसी वजह से, लेकिन जो लोग होते हैं कहते हैं खैर छोड़ यार, अभी तो एक परेशानी पता नहीं हजारों लाखों परेशानियाँ आएंगी यार, मैं तो उन्हें फेस करने के लिए बैठा हूँ, ये क्या छोटी छोटी परेशानी, चलो उधर यार परेशानी तेरी ऐसी की टैसी। देखिए इस तरह हमारा एक मिशन होना चाहिए ना, एक मकसद होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए यार ये जिंदगी मैंने सर्वाइव करके जाना है। जब सर्वाइव करना है लाइफ में तो फिर मसले मसाले तो किसी चीज़ के नहीं है, ये फिर मैंने हर तरह से गुजारनी है लाइफ, तो जो मर्जी है, फिर अगर मेरे पास डायमंड है फिर भी मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ, लोया है फिर भी मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है फिर भी शुक्र अदा कर रहा हूँ, एक दिन आ जाएगा मेरे पास। माइंड सेट सिर्फ आप देखिए, सोचें, इस पर अमल करें, हर हाल में खुश रहें इंशाल्लाह। अल्लाह आखिर में अल्लाह तआला से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।